नमस्कार, टुडेज एयरलाइंस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रम सिद्दीकी। तो टुडेज एयरलाइन में बात करेंगे हम तमाम उन सुर्खियों की जो अखबारों में चर्चा बटोर रही हैं। तो इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ जी दीक्षित जी एसोसिएट एडिटर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर केशव पांडे जी हमारे साथ ग्वालियर चंबल संभाग की सुर्खियों के ऊपर नजर डालने के लिए जुड़े हैं, और साथ में बुंदेलखंड की सुर्खियों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र व्यास जी जुड़े। आप तीनों पारस का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है डीएनएन न्यूज पर। ये दीक्षित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, प्रमुख सुर्खियों के ऊपर नजर डालें। है कल जो शिक्षक दिवस था उस पर जो है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले चाहे राज्य सरकार की बात कर ले, शिक्षकों का सम्मान किया गया। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार मिला, जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है शिक्षकों का जो सम्मान किया था, उसमें सबसे बड़ी मध्यप्रदेश से जुड़ी बात एक रमीय है कि मंडला के जो शक्ति पटेल है उनको ये जो है एक तरह से सम्मानित किया गया है। मध्यप्रदेश में भी 28 शिक्षकों का सम्मान किया गया। ये खबर बड़ी प्रमुखता से सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे ली है। इसी के साथ जिक्र करूंगा खेलों की गर्व के दिव्य प्रदर्शन, ये पैरालंपिक की खबर है। सुपर संडे ये दूसरा शीर्षक है। उसके बाद 53 साल में 11 पैरालंपिक्स, 12 मेडल आए। ये पैरालंपिक्स में जो है कल इरम सबसे बड़ी बात है कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। इसको सभी अखबारों ने प्रमुखता से फ्रंट पेज पर जगह दी है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 53 साल के इतिहास में अब तक 31 मेडल प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। इसी के साथ एक खबर का जिक्र और करना चाहूंगा कि जो भास्कर ने एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दी है, वो हाईकोर्ट से रिलेटेड है और कर्मचारियों के हित की खबर है। हाईकोर्ट के जिस फैसले को आधार बनाकर प्रमोशन रोके गए, उसमें सिर्फ रिजर्वेशन रोस्टर पर रोक लगाई गई है, बाकी प्रमोशन हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता अब खुल सकता है, इस शीर्षक के नाम से खबर एक्सक्लूसिव सेकंड फ्रंट पेज पे इसको लगाया गया है। इसी के साथ अगर बात कर लूंगा तो एक खबर जिसमें कल किसान महापंचायत थी, वहां जो है जिस तरह से राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है, किसानों का मंच पर बोल सियासी। टिकैत ने कहा कि मोदी, शाह और योगी यूपी में बाहरी, इनको यहां से जाना होगा। ये बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई है। सभी अखबारों ने इसको बड़ी तरजीह दी है और ये लगातार आपने देखा होगा इरम कि किसानों का जो प्रदर्शन है लगभग साल भर होने को जा रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर अखबारों में बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और बाकी टीम के जो सदस्य जो उनके साथ लगातार संपर्क में थे वो आइसोलेशन में चले गए हैं। ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। साथ ही अगर राजधानी की एक खबर की बात कर लेंगे, चिकित्सा क्षेत्र के महारथी माने जाने वाले डॉक्टर एनपी मिश्रा का निधन हुआ है, ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। सभी अखबारों में इसको तरजीहता से प्रकाशित किया गया है। इसकी के साथ प्रदेश के 7 जिलों में स्क्रब टाइफस के 9 पॉजिटिव मिले। ये एक नई बीमारी है कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद, ये स्क्रब टाइफस जो है इसके 9 पॉजिटिव मिले हैं। 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। ये खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। छत्तीसगढ़ से एक जुड़ी खबर है जिसको सभी अखबारों ने 2 कॉलम और सिंगल कॉलम जगह दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता पर FIR दर्ज हुई है, ये खबर को भी बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की है। मध्य प्रदेश छग में जियो का रुतबा कायम, अब तक 303 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से राजधानी के अखबारों में एक खबर छपी है कि नहीं बढ़ेगी पत्रकारों के बीमा प्रीमियम की राशि, जो लगातार अगर प्रीमियम बढ़ाया जाता है तो उसका भुगतान सरकार करेगी, ये खबर भी बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। डॉक्टर एनपी मिश्रा से रिलेटेड अगर इनसाइड स्टोरी की बात किया जाए तो पीपल समाचार ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। गैस त्रासदी के वक्त हमीदिया में 800 बेड पर 10,000 से ज्यादा मरीज को भर्ती किया था, इलाज निःशुल्क दवाएं मुहैया कराई थी डॉक्टर एनपी मिश्रा ने, ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई। उनके 2 पुराने फोटो प्रकाशित किए गए हैं पीपुल समाचार में, एक पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के साथ है और एक फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के साथ ये फोटो लगाया गया है, ये खबर भी बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार जो राजधानी में वैन बढ़ाई गई है वो खबर को भी बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। टीएमसी का ऐलान, भवानीपुर सीट से जो है ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, इस खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज से जो है मध्यप्रदेश में 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें जो है मूल्यांकन नीति वाले मार्क्स रद्द, इस परीक्षा के अंक ही फाइनल होंगे, ये खबर बड़ी, इसमें लगभग
14,500 बच्चे शामिल होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है भिंड और मुरैना के छात्र होंगे शामिल, ये खबर है। आज जो है कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा है, इसको जो है प्रमुखता सिंगल कॉलम सभी अखबारों में दिया गया है। एक खबर है जिसमें कुशवाहा समाज को मिलेगी सौगात, जल्दी बनेगा भगवान लव कुश का मंदिर, ये गोविंद सिंह ने बयान में दिया है। और एक खबर है जिसको लेकर मैं बता दूं, इरम सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में 9,00,000 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री देने की तैयारी, देश भर में 1,00,00,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। ये खबर दो अखबारों में बस प्रमुखता, बाकी अखबारों में इसको अंडर प्ले किया गया है। और स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान लोगों का जीवन बचाने का अभियान है, ये जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है बीडी शर्मा ने बयान दिया है, और ये खबर बड़ी प्रमुखता से सभी अखबारों में प्रकाशित हुई है। एक खबर जिसका जिक्र करूंगा, सायरा बानो की सेहत बिगड़ रही है और इसमें एक दो दिन में उनको अस्पताल से छुट्टी दी शास्त्री है। ठीक जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, बुंदेलखंड की सुर्खियों के ऊपर नजर डालेंगे, आज बुंदेलखंड की सुर्खियों का रुख किस तरफ है? अभी से होने लगे हैं पानी को लेकर विवाद, हैंडपंप पर पानी भरने के विवाद पर मारपीट, 6 पर मामला दर्ज। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों पर जमकर लाठी डंडे चले। शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। हालांकि एक ये खबर अभी अखबारों ने नहीं छापी है, पर ये जानकारी मिली है कि बुंदेलखंड के लगभग सभी जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। सागर जिले के एक अच्छी खबर इसी से रिलेटेड है, सागर जिले के देवी क्षेत्र में 48 ग्रामों में 47 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत कर दी गई है। एक अच्छी खबर सागर से ही है, महिलाओं ने 35,000 की लागत में बनाया भंडार गृह और 4 माह में ही लगभग 6,00,000 का मुनाफा उनको मिलता दिख रहा है। ये 8 महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने बतौर उद्यमी प्याज का बिजनेस शुरू किया था और सस्ते रेट पर उन्होंने 8,50,000 में 650 क्विंटल प्याज खरीदी और देसी पद्धति से भंडार गृह बनाया, वह भी महज 35,000 रुपए की लागत में। अब व्यापारी उसी प्याज की कीमत लगभग 14,50,000 रुपए लगा चुके हैं। सागर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने झाड़ू बेलन लेकर निकाला आक्रोश मार्च। महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय से आक्रोश मार्च ढोल नगाड़े के साथ निकाला गया और सागर में NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष पर लगाई NSA। आरोपी ने नरयावली थाने में किया सरेंडर, बोला राजनीतिक षड्यंत्र के चलते यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। हालांकि इन पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। छतरपुर नगर में व्यवसायियों को ऑनलाइन मिल सकेगा ट्रेड लाइसेंस, 3 नगर पालिका साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे दुकानदार व प्रतिष्ठान संचालक। पन्ना में हिंदू जागरण मंच ने उठाई बॉलीवुड लेखक जावेद अख्तर के खिलाफ FIR की मांग। इन्होंने एक न्यूज पोर्टल पर RSS की तुलना जो है तालिबान से की थी, इसको लेकर वहाँ लोगों में हिंदू जागरण मंच के लोगों में आक्रोश है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता के विरोध में छतरपुर जिले के नौगांव में ब्राह्मण समाज की हुई बैठक और उनके पिता के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए आज मामले दर्ज कराए जाने की बात की जा रही है। फेसबुक पोस्ट से आहत हुआ यादव समाज छतरपुर जिले के भगवान थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ एक व्यक्ति ने फेसबुक पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसको लेकर थाने में यादव समाज ने लिखित आवेदन दिया है। गौशाला की महिलाएं बना रही हैं गणेश की प्रतिमा सागर में। ये सागर विकास खंड के ग्राम बराठा में एक गौशाला संचालित होती है रामराजा सहायता समूह की और इन्होंने गोबर और मिट्टी को मिलाकर गणेश प्रतिमाएं का निर्माण और नेचुरल रंग लगाने का काम शुरू किया है और इसको तो ये सभी इको फ्रेंडली है, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता, इसको प्रशासन भी इस काम की सराहना कर रहा है। छतरपुर में पार्टी में विवाद हुआ रुपयों के लेन देन पर, साथी ने बोरवेल मशीन संचालक पर चाकू से 25 वार किए,
पर उसकी मौत हो गई, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, छतरपुर का मामला है। ये कुछ प्रमुख खबरें थी बुंदेलखंड इलाके की। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर केशव पांडे जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। ग्वालियर की सुर्खियों के ऊपर अगर हम नजर डालें, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के मामले में अगर वहीं हम ग्राम पंचायत की बात करें तो सर्वाधिक कई ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हो चुके हैं और लोग उत्साह के साथ अब गांवों से वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उसमें इस वक्त 90% पे ग्वालियर वैक्सीनेशन में पहुंच गया है। ये बहुत खुशी की बात है। इसको लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्वीट करके जिला प्रशासन ग्वालियर को बधाई भी दी है और काउंट डाउन चल रहे हैं। अब 6 दिन शेष बचे हैं, जो 10 दिन का टारगेट था उसमें 67,570 वैक्सीन का लक्ष्य था गत दिवस, और 63,960 में सिर्फ 18,690 लोगों को टीके लगे। ये यहाँ के वैक्सीनेशन की स्थिति है। रेलवे कैशलेस अब डिजिटल पर जोर दे रहे हैं और वो टीटीयू को उन्होंने नई मशीनें हैं जो मंडल ने दी है, जो 100 मशीनें POS मशीन है, उस मशीन से कैशलेस अपना कार्ड से आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब वो आसानी से नहीं खोल पाएंगे, फर्जी कंपनियां नहीं खोल पाएंगी। इसके लिए GST ने शिकंजा कसा है, विभाग ने नए नियम बनाए हैं। कंपनी ने कार्यालय के फोटोग्राफी करते समय गूगल लोकेशन को ऑफ करना होगा, जिसमें नाम पते के साथ लोकेशन भी दर्ज हो जाएगी। यह सब कंपनी के प्रोफाइल में लगाई जाएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, ऑन स्पॉट जियो टैगिंग की जाएगी। इसके अलावा सोनगढ़ के विधायक के खिलाफ मुकदमा जो कांग्रेस के विधायक वैद्यनाथ सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था, उसके बाद एक सुमावली के कांग्रेस के विधायक अजब सिंह के खिलाफ भी ग्वालियर में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से 2.25 करोड़ लेके और जो उन्होंने प्लॉट दिए उसकी रजिस्ट्री नहीं होने हो पाने के कारण 420C के प्रकरण में धोखाधड़ी में इनके खिलाफ ग्वालियर में मुरार में थाने में एक केस दर्ज हुआ है। अजब सिंह के घर पे जो ब्रोकर था वो अपनी आत्महत्या करने के लिए पेट्रोल लेके इनके घर पे पहुंच गया था, तब पुलिस ने उसको पकड़ के और आत्महत्या से रोका है। अजब सिंह की ये धोखाधड़ी का मामला आज प्रमुख रूप से सभी अखबारों ने छापा है। पुलिस ने एक अनूठी पहल ग्वालियर में प्रारंभ की है, इसमें हजीरा महाराजपुरा और पुरानी छावनी क्षेत्रों में जमीनों की जालसाजी रोकने के लिए कवायद शुरू की गई है। महाराजपुरा सर्किल में जमीन के नाम पर 3 साल में ठगी के 97 केसेस आए हैं। अब घर घर जाकर पुलिस बताएगी कि ठगों से कैसे बचाया जाए। इसी तरह की पहल अन्य क्षेत्रों में भी कराएंगे। जो SP अमित सांगी ने सोशल पुलिसिंग के तहत नवाचार प्रारंभ किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन विश्वास अभियान की भी शुरुआत की है, जिसमें अपनों व दूसरों के द्वारा जातियों की शिकार हुई नाबालिग बच्चियों के घर वो जाकर पुलिस बातचीत कर रही है और उनको भरोसा दिला रही है। 100 यूनिट से अधिक बिजली बिल पर सामान्य टैरिफ लगाने के विरोध पर राहत देने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार फिर से ला सकती है संबल योजना। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम सिंह तोमर ने कहा कि इंदिरा गृह ज्योति का नाम बदलकर पुराना नाम रखा जाएगा, अब यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल ज्योति के नाम पर होगा। 15 करोड़ की लागत से ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 3 बीघा जमीन में एक लक्ष्मी मंदिर बन रहा है, ये आकार ले रहा है। इसके अलावा सब ब्राह्मण सभा मुरार ने एवं तमाम संस्थाओं ने कल शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 5 सदस्य दल ने पेंशन बहाली और अन्य कल्याण मुद्दों पर राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है। इसको फोटो के साथ अखबारों ने छापा है। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह के अनुसार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव व अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद भी कोई निराकरण न होने से उन्हें राष्ट्रपति से मिलना पड़ा। इसके अलावा अवैध बसाहट पर जिला प्रशासन अंकुश लगाने के लिए नया कदम उठा रही है। इस कदम में 700 से ज्यादा अवैध कॉलोनी डबरा मुरार के बाद अन्य डिवीजन में अब नामांकन पर लोग लगाई जा रही है। ये प्रमुख खबरें हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर केशव पांडे जी।
आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गीत दीक्षित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद व्यास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यही कुछ तमाम सुर्खियां थी, हर छोटी बड़ी खबर किस तरीके से तरजीह के साथ अखबारों में अलग अलग तरजीह के तरह दी गई है और किन खबरों को अंडरप्ले यहाँ पे किया गया है। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ।